हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज का डेट में कतर से आने वाले कुछ सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनमें से कुछ सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। तो काइंडली वीडियो का लास्ट तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और ऐसे ही कतर के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए, पहला अपडेट जो आ रहा है ये HMC मतलब हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल को कतर गवर्नमेंट से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सारे सेक्टर के लिए यहाँ पे ईद हॉलीडेज यहाँ पे अनाउंस हो गया है, जो कि 18th ऑफ जुलाई से 25th ऑफ जुलाई तक रहेगा। तो इस ईद हॉलीडेज में यहाँ पे हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन का सेवरल डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑफ रहेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो अर्जेंट कंसल्टेशन सर्विस है, जो कि हम लोग को अक्सर जरूरत पड़ता है, ये भी यहाँ पे कल से मतलब फ्राइडे 16th ऑफ जुलाई से 25th ऑफ जुलाई तक यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो काइंडली आप लोग अर्जेंट कंसल्टेशन के लिए अभी हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन में ना जाए। अगर यहाँ पे इमरजेंसी केसेस में बताया गया है कि यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 24/7 मतलब हफ्ता के सातों दिन 4 hours यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस ओपन रहेगा। ओके, और इसी के साथ साथ HMC से ये भी बताया गया है कि जितने सारे न्यू बॉर्न बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेशन किया जा रहे वो अभी मैनुअली एक्सेप्टेड नहीं होगा इस ईद हॉलीडे के टाइम में। अभी आप लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट क्या आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि कतर लेबर मिनिस्ट्री से आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर लेबर मिनिस्ट्री से यहाँ पे एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक कोई भी कंपनी सुबह का 10 बजे से दोपहर का 3:30 बजे का अंदर आउटडोर वर्क करवा रहा है कि नहीं। तो इस कैंपेनिंग में बहुत सारे वर्क साइट को यहाँ पे बंद भी कर दिया है। मगर यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री से आज को ये भी अनाउंस किया गया है, अगर आप लोग सेट का अंदर भी काम करते हैं, मगर आप लोग अगर हीट स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, अगर आप लोग का सर घूम रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, आप लोग इमीडिएट काम को स्टॉप कर सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर आपका कंपनी आप लोगों को फोर्स करता है काम करने के लिए या तो फिर जॉब से निकालने का धमकी देता है, तो आप लोग इस हालत में लेबर मिनिस्ट्री में आपका कंपनी के ऊपर कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस गर्मी के दौरान काम करने के लिए आप लोग अच्छे से काम कीजिए। सेडेट का अंदर काम भी करते हैं तो आप लोग ज्यादा करके पानी पीजिए, ग्लूकोज वाटर पीने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, और कोशिश कीजिए हर आधा घंटा काम करने के बाद 10 मिनट रेस्ट करने का। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं 2-3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ, तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे। ओके, नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे कतर इंडियन एम्बेसी से यहाँ पे बार बार ट्वीट किया जा रहा है कि जितने भी इंडियंस अभी कतर में काम कर रहे हैं, काइंडली आप लोग अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ इंडियन एम्बेसी के साइट में आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे रजिस्टर करवा लीजिए। आप लोग का आईडी है कि नहीं है मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग के पास पासपोर्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है कतर का, तो ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें रजिस्टर करने से आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी होता है तो इंडियन एम्बेसी के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि कितने सारे इंडियंस अभी प्रेजेंटली कतर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे क्या आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट डिस्कवर कतर के साइट से आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12th और जुलाई से यहाँ पे ट्रेवल पॉलिसी में बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे लाया गया है, क्वारंटाइन पॉलिसी में भी यहाँ पे चेंजेस लाया गया है। मगर यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बता था कि यहाँ पे जो क्वारंटाइन पीरियड है, क्वारंटाइन डेट है, ये इस साल खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे डिस्कवर कतर साइट में जहाँ से हम लोग मैकेनिक या तो फिर होटल बुक करते थे, वहाँ पे पहले 31st अगस्त तक यहाँ पे हम लोग बुकिंग कर सकते थे, मगर अभी इस डेट को बढ़ा के 31st दिसंबर तक कर दिया गया है। मतलब ये साल पूरा अभी क्वारंटाइन चालू रहेगा। एज पर गवर्नमेंट लॉ, जो लोग अभी कतर में अलाउ है विदाउट वैक्सीनेशन या तो फिर वैक्सीनेशन का सिंगल डोज लेने के बाद भी, उन लोगों के लिए अभी यह साल पूरा अभी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितना दिन का यहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो हाई रिस्क कंट्री से आने के लिए आप लोगों को पहले जैसा था 10 डेज होटल क्वारंटाइन या तो फिर 14 डेज मैकेनिक क्वारंटाइन करने से ही चलेगा। आप लोग अगर हाई रिस्क कंट्री से कतर में आ रहे हैं तो आप लोग को एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे 72 आवर्स का अंदर का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी तो करना ही पड़ेगा। मगर अगर आप लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं तो यहाँ पे आने का बाद भी आप लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा ऑन अराइवल, जिसका कॉस्ट आप लोगों को खुद को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग यहाँ पे वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे आने का बाद जो आप लोगों को RT-PCR टेस्ट होगा उसमें अगर आप लोग पॉजिटिव निकल जाता है तो आप लोगों को क्वारंटाइन करना ही होगा। उस टाइम ये देखा नहीं जाएगा कि आप लोग वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। ओके, तो ये बात को भी थोड़ा ध्यान में रखकर चलिए। ओके, तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर लगता है चैनल से आप लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।